पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड के साथ जो कि जिगराओं में शाई हुए हैं। 2017 में इन्होंने अपना सफर शुरू किया। जिसका भी काम ले लिया मैंने प्रॉपर करके, उसे तसल्ली करके, आप देख लो कि 10 साल 8 साल पुराना कस्टमर वापस आता है। हाँ जी, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ हमारे बुटीक का ये रास्ता है। एक तो इधर से आप आ जाओ, ये सुभाष गेट पेट्रोल पंप की तरफ से रास्ता आता है और इधर से नानक शहर से रास्ता आता है। ये दोनों रास्ता है और ये हमारी आगे जाकर ये साबरी खान साहब बुटीक आप देख सकते हो आ गई। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड के साथ जो कि जिगराओं में शाई हुए हैं। 2017 में इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और आज साबरी खान साहब डिजाइनर बुटीक के नाम से ये अपना बुटीक जो है बहुत ही ग्रेसफुल इन्होंने अपना जो है यहाँ शोरूम खोला है चंडीगढ़ कॉलोनी में। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्राहक एक बार आ जाता है इनका ही बनकर रह जाता है। चाहे NRI वीरों की बात कर लें, बाहर वालों की बात कर लें, चाहे इंडिया की बात कर लें, रहे तो ये जिगराम में रहे हैं लेकिन दूर दूर तक लोग इनसे जुड़े हुए हैं। साहब जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपने ये स्टार्ट किया और कैसे आज तक आपने इस वाह करके और लोगों को अपने साथ जोड़ा? सर, इस तरह मैंने तो शुरुआत तो बहुत पहले ही किया था और स्टार्टिंग से मैंने जेंट्स काम भी किया है, वो लेडीज़ काम बढ़ने के कारण बहुत मैंने छोड़ दिया। मैं तकरीबन काफ़ी 2012 के बाद मैंने सारा फोकस इसी पर किया और अपना मेन काम है डिजाइनिंग करना, ड्रेस चाहे लहंगा हो जाए, ब्लाउज हो जाए, चोली हो जाए, कुछ भी डिजाइनिंग करवाना हो तो वो मैं कर सकता हूँ और ख़ुद भी स्टिचिंग करता हूँ, कारीगरों से भी करवा लेता हूँ। मुझे काम करने में कोई भी बड़े से छोटा तक काम में कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत अच्छी तरीके से मैं कर लेता हूँ। खान साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आपने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और अभी यहाँ पर आपने इंडिपेंडेंट अपना एक वेंचर खोल लिया है और आपके मिसिज हैं जो वो भी आपके साथ हैं और हमेशा अगर हम लेडीज़ की बात कर लें तो एक लेडीज़ आपके साथ जुड़ती है और उसके साथ साथ 10 और आपको रेफरेंसेस आते हैं। बैठे आप जिगराओं में हो लेकिन सारा पंजाब ही आप लोग कवर कर रहे हो क्योंकि किसी की बहन कहीं रहती है, किसी का भाई कहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपसे पहले बनाते हैं फिटिंग आपकी। बहुत आप किंग है फिटिंग में, मोटे को मोटा नहीं लगने देते, पतले को पतला नहीं लगने देते। आपकी ही कारागिरी है और उसी कारागिरी के कारण आप लोग शाये हुए हो। हाँ जी सर, इस तरह के बॉडी देख करके ही पता लगता है कि इसे क्या जचना है, बस उसी हिसाब से काम करना होता है और उसका बॉडी देख करके अपना काम ये रहता है कि किस तरह सही लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप टाइम के बहुत पाबंद हो, जब भी टाइम देते थे दे देते हो तो आप पहले ही उनको जो है कपड़े तैयार, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो भी बुटीक वाले हैं, जो भी डिज़ाइनर स्टूडियोज़ हैं, तो ये थोड़ा सा लोगों का एक इसमें लंबा रहता है कि यार ये टाइम पर नहीं, मतलब प्रॉब्लम कर देते हैं, ये होता है। लेकिन आप पहले ही कह देते हो कि आप फिटिंग चेक कर लो भाई पाकर, और ये ना हो कि आपने जिस फंक्शन में जाना है उस फंक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई। देखो सर, इस तरह पहले तो करना ही पड़ता है, फिटिंग ट्राई करवाना पड़ता है। ट्राई इसलिए करवाता हूँ कि बाद में प्रॉब्लम ना आए, मुझे विश्वास भी होता है कि सही आएगा, पर फिर भी मैं ट्राई करवाता हूँ। ट्राई करवाने का कारण यही होता है कि बाद में ना दिक्कत हो। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि थोड़ा कम काम कर लूँ, पर जिसका भी काम ले लिया मैंने प्रॉपर करके, उसे तसल्ली करके, आप देख लो कि 10 साल 8 साल पुराना कस्टमर वापस आता है। 10 साल तो मान ही लो, 10 साल पुराना कारी मतलब ग्राहक सब आता है अपने पास। खान साहब, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कपड़ा बहुत बढ़िया बीच में यूज़ करते हो, आप रेट जो मर्जी कर लो,
कितना कंपटीशन हो गया मार्केट में, लेकिन आप समझौता नहीं करते किसी चीज़ से। आपका यही मन रहता है कि जो मेरा कस्टमर है उसको मैं थ्रेडिंग ऐसे ना हो कि सूर्य कल को उधड़ती फिरें। आपने बहुत ही बढ़िया चीज़ें यूज़ करनी है, और अगर जेप है तो जेप भी हाई क्लास, बटन है तो बटन भी। आपका मन ये रहता है कि जो लेडीज़ मेरे पास एक बार आ गए वो उनको कोई परेशानी ना आए। देखो क्वालिटी तो फर्स्ट है, अगर हम क्वालिटी के पीछे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो आगे कर नहीं सकते काम, और कितना दिन कर लेंगे। क्वालिटी तो सबसे बेस्ट चीज़ है जी। और एनआरआई वीरों की आप पहली पसंद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाहर से ही वो कह देते हैं नहीं खान भाई के पास जाओ भाई, 10 सूट बनाने हैं, 5 सूट बनाने हैं, वहीं से वीडियोग्राफी के ऊपर भी कई लोग तो आपको जो है मैच दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके नाप ले लेना ये तो होता ही है, सिर्फ यही होता है कि इंच टेप उसके पास हो, बस इधर वीडियो कॉलिंग में नाप बतला देता है, स्टैचू के साथ बतला दूं, या लेडीज़ अपने पास काम करती है और वाइफ भी मिल करके काम करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ना उन्हें दिक्कत होती है ऑनलाइन नाप देने में, बहुत अच्छी तरीके से नाप हो जाता है और आज तक शिकायत तो आई नहीं है। खान साहब, आपको जो भी आपके पुराने कस्टमर्स, नए कस्टमर जो भी देख रहे होंगे, बड़ी खुशी महसूस करते होंगे क्योंकि आप लोगों ने कभी ये काम किया नहीं है, कभी आप ऑनलाइन हुए नहीं, ये फर्स्ट टाइम है ज़िंदगी में आप लोग ऑनलाइन हो रहे हो और लोगों के रूबरू हो रहे हो, क्या कहना चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी में कितना आपको खुशी आई जब आपने अपना ये वेंचर खोला, और अब जब लोग जब बोलते हैं, खुशी देते हैं कि खान साहब यार मज़ा आ गया यार कपड़े डाले, तो वो लोग खुश जब होते हैं तो कितना का आपको मज़ा आता? देखो आज संडे करके है, नहीं तो आप ज़्यादातर अपने पास NRI है, NRI इसलिए है कि उससे उनका नाप भी बहुत बढ़िया रहता है सेट, वो अपने बॉडी का भी ख्याल रखते हैं कि हाँ जितना है उतना ही, कई साल तक नहीं नाप कम बेस होता है, उनसे अगर आप इंटरव्यू ले लेते और देख लेते तो पता लग जाना था कि क्या है काम का क्वालिटी, क्योंकि मैं बारीकी से काम करना जानता हूँ और करवाना भी जानता हूँ। हमने आपकी आंखों में से वो सारे जो है ना रिजल्ट्स हैं वो हमने आपकी आंखों से पहले आते ही देख लिए थे भाई, ऐसे ना कहो आप NRI वीरों को, हम भी पूरे एक्सपर्ट इस बात में, 18 साल का हमारा लंबा तजर्बा इसी चीज़ में है, हम लोग भी बंदा देखकर पहचान जाते हैं। खान साहब, जैसे आपका स्टाइल है, जैसे आप लोग सेवा करते हैं, आप और आपकी वाइफ मिलकर, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बहुत एथिक्स वाले इंसान हैं, आपका हमेशा ये रहता है कि जो भी ग्राहक मेरे पास आए उनको कंफर्टेबल जोन में जाएं वो, क्योंकि पिंडों के लोग कई बार आते हैं, वहमी भी होते हैं, ठीक है ना, उनके वहम के लिए भी आपने, आपकी वाइफ भी साथ में है, आप कहते हो कोई बात नहीं ये भी मैच ले लेगी, तो आपके मन में ये रहता है कि किसी के मन में कोई भी उदासी ना हो, खुशी से जाए? नहीं नहीं, सब देख करके ही हो जाता है, मुझे देख करके सभी ने वैसा सीख लिया, और आगे कोई काम इस तरह हो ही नहीं सकता पास, क्योंकि मैन काउंटर पर मैं खड़ा रहता हूँ और काम में सारे तरफ ध्यान रखना पड़ता है, इधर भी उधर भी। चलिए खान साहब, आज तो हम आपके एक स्टूडियो में बैठे हैं, भगवान करे, अल्लाह मियाँ आपके करें कि आपको एक नहीं हर जगह पर साबरी खान के जो भी आपसे सीखे हुए हैं और हैं लोग वो आपसे जुड़कर, और हर जगह पर ही साबरी खान साहब डिज़ाइनर बुटीक खोलें, और आने वाले समय में जब हम अगली बार आए तो आपका एक बहुत बड़ा जो है वेंचर हो, लहंगा हाउस भी आप बनाएं उसमें, और आपको कपड़ा भी अपना और लहंगा भी अपना, वो वैसी चीज़ें बना बना कर लोगों को प्रोवाइड करें। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हम हैं मिसिस खान साहब के साथ और उस बहन के साथ जो 18 साल से इनके साथ अटैच हुए हैं, आप दोनों का भी स्वागत है जी हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपने भी कंधे से कंधा मिलाकर आप चले और आप दोनों ने इस वेंचर को बहुत मेहनत के साथ, बड़ी गाली गाली हैं, बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में अपना वेंचर बनाना और इतना खर्चा करना, आप लोग यहाँ चंडीगढ़ कॉलोनी में जिसकी खुली डुली यहाँ पर खड़ने के लिए है, कोई भी कार आ जाए, कोई बंदे ने अपना सामान लेना है स्कूटर पे आ सकता है, कोई ज़्यादा रश पाश नहीं है, हौश पौश नहीं है, और रास्ते भी दो तीन निकलते हैं कि लोग ऊपर से भी आ सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है दोनों ने? मेहनत तो की है, ऐसा नहीं कि हम स्टार्टर ही हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग जो इन्होंने की थी, मुझे तो 11 साल हुए इनकी लाइफ में आए हुए और इस काम में, इस जगह बोल सकते हैं, पर इन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम से काम किया है, और इन्होंने स्टार्टिंग से बहुत एक छोटे से जगह से काम शुरू किया था, बहुत ही छोटा, हम कह सकते हैं कि जगरा में
अनारकली बाज़ार नाम से मशहूर है, वहाँ पे हमारा स्टूडियो हुआ करता था। उसके बाद इनकी मेहनत है, लगन है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा, हम आप देख ही सकते हो कि कस्टमर के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। उस बुटीक पे ऐसा था कि कह सकते हैं चार कस्टमर सही से खड़े भी नहीं हो सकते थे, और यहाँ पे है कि अल्लाह का शुक्र है भीड़ भी आ जाएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठने उठने, हर चीज़ वॉशरूम वगैरह सब चीज़ों की हमने कस्टमर को प्रोवाइड, हमने ऐसी चीज़ें सोची हैं कि उनको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कस्टमर जब आता है, गर्मी का टाइम है, अब NRI है, बाहर के हैं, तो हो सकता है वो AC वाली गाड़ी से निकले और बिना पंखे वाली जगह पे बैठे, या AC ना हो वहाँ पे, उनकी हमने इस ज़रूरत को भी देखा है। NRI है, गलियों में घूमना पड़ता है उनको, मार्केट बहुत दूर दूर, लॉन्ग टाइम उनको पैदल चलना पड़ता है, यहाँ पे वैसा नहीं है, वो अपनी गाड़ी से उतरेंगे डायरेक्ट शॉप के अंदर, वो चीज़ भी उनको परेशानी से हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है। बाकी साथ देने की बात है, और काफ़ी टाइम से काम भी करना है, तो ये हमारे मैडम हैं, इन्होंने बहुत लॉन्ग टाइम, दोनों मेरे हस्बैंड ने, और इन्होंने इस एक तरह के लिए, हम इसको कह सकते हैं कि ये कोई हमारा स्टूडियो या कोई छोटा सा नहीं है, हमारे लिए एक अंपायर है। 18 साल से बहन जी और साथ में अटैच हैं, और 18 साल से जैसे खान साहब बता रहे हैं कि मैंने बुटीक चलाया है, तो ये बैकबोन है उसकी बुटीक की, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये जो बूटा लगा है उसमें बहुत बड़ा योगदान इन्होंने भी डाला हुआ है। अभी हम चाहेंगे कि आप सारे एम्प्लॉइज़ के भी साथ भी हमें, क्योंकि पिलर तो हमने देख लिया और ये दो पिलर और देख लिया, और बाकी जो रह गया हम लोग आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसे मैडम ने बोला कि यहाँ एम्बियंस, जो अंदर का एटमॉस्फेयर है, AC है, और इसमें गाड़ी से उतरते ही जैसे बोला इन्होंने कि NRI के लिए और भी लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएँ हैं। अभी हम लोग ये जाएंगे अंदर और अंदर जाकर सारा विजिट कराएंगे। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ एक या दो लोग नहीं है या तीन लोग नहीं है, हमारा पूरा ग्रुप है। ग्रुप में आज संडे है तो ज़्यादा लोग तो आ नहीं सकते हैं, पर जितने लोग हैं हम आप उनसे मिला सकते हैं। ये हमारे हैं बेस्ट बोल सकते हैं इनको, ये भाई साहब हैं, और इधर ये लड़का है। ये संडे की वजह से कुछ लोग आज नहीं आए हैं, वो छुट्टी पे हैं, और ख़ास कर हमारे बुटीक का एक और सिस्टम है, चाय खाने पीने का हम बाहर से नहीं करते, हमने अपना किचन भी खुद अपने पास रखा हुआ है कि किसी भी कस्टमर को कोई भी टाइम पे ज़रूरत है चाय कॉफ़ी किसी चीज़ की भी, वो हम खुद सर्वाइव करते हैं उनके लिए। बाकी ये ड्रेसें रखी हुई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ बेस्ट कलेक्ट की गई लेसेस हैं जो स्पेशली हमने खुद कलेक्ट की हैं, स्पेशली ये आप देख सकते हो, फैब्रिक भी हमारे पास खुद का है, वाइट डाइबल, एम्ब्रॉयडरी से लेके डिज़ाइनिंग, कस्टमर के खुद की पसंद की होनी चाहिए, वो क्या चीज़ मांग रहा है, हमारा सिर्फ ध्यान इस चीज़ पे होता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर सकें। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से ध्यान में रख के हर चीज़, चाहे वो ड्रेस हो, इंडियन ड्रेसेस हो, वेस्टर्न हो, गाउन हो, किसी भी चीज़ की किसी को भी किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते। स्पेशली डिज़ाइनिंग का जितना भी काम है वो खान साहब संभालते हैं।